हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जगदीप है और मैं पिछले 18 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। पिछले दो वीडियोस में मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लेना, क्योंकि इस साल मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नोट्स और टेस्ट्स रिलीज करूंगी जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं लेक्चर में। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो उसी को स्टडी करने के लिए ये टेबल हमने यहाँ बना रखा है। वी कैन सी दिस, हमारे यहाँ मैंगो स्लाइसेस हैं 1 से लेकर 6 तक। मार्जिनल यूटिलिटी है जो 20 से लेकर के 0 हो रही है, फिर -2 हो रही है। और टोटल यूटिलिटी है जो 20 से बढ़कर 50 तक जा रही है और फिर 48 पे गिर रही है। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, ताकि इस वीडियो में जो भी मैं समझा रही हूँ या जो भी हम कर रहे हैं वो आपकी समझ में आए। ठीक है, तो ये जो टेबल हमने बना रखा है इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रखा है। और हमारे जो कमोडिटी है जो कंज्यूमर खा रहा है या कंज्यूम कर रहा है वो है मैंगो स्लाइसेस। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इन डायग्राम्स में हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो पहले हम टोटल यूटिलिटी प्लॉट कर लेते हैं। सो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे 20 थी, सो हम 20 पे एक डॉट लगा देते हैं। सेकेंड यूनिट पे 36 है, सो 36 समवेयर यहाँ पे होगा। मेरे स्केल्स थोड़े रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं है। थर्ड यूनिट 46 पे है, सो सम वॉट यहाँ पर आएगा 46। फोर्थ यूनिट या फोर्थ मैंगो स्लाइस कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी जो है 50 हो जा रही है, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा। फिफ्थ यूनिट पर भी ये 50 ही है तो ये यहाँ पर रहेगा लाइक दिस। सिक्स्थ यूनिट पे ये 48 यूनिट्स हो गया, तो ये लगभग यहाँ पर आ सकता है। ठीक, अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो कुछ इस तरह से हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व बन जाता है। इसको हम नाम दे देंगे TU। ठीक है, सो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंटर्स इस ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, नीचे वाले ग्राफ में जहाँ MU लिख रखा है ये वाला। सो फर्स्ट यूनिट पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 20, सेकेंड पे है 16, सो लगभग यहाँ पर। थर्ड यूनिट में है 10, सो मोर और लेस इधर। फोर्थ यूनिट पे है 4, सो यहाँ पर। फिफ्थ यूनिट पे 0 और सिक्स्थ यूनिट पे -2। सो कुछ इस तरह से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो बन जाएगा। इन डॉट्स को ज्वाइन करते हम चलेंगे, इसे भी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, MU। तो फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी मैक्स आउट हुई है और मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एट 0, है ना। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 0। ठीक है, अब इसके रिलेशनशिप को हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसका रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ फिगर आउट करनी है वो हमें ये देखना है कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों कर्व्स की, मार्जिनल यूटिलिटी की और टोटल यूटिलिटी की, ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ज़ीरो हैं, क्या है। ठीक, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी 3 डिफरेंट वैल्यूज़ एज्यूम कर सकता है, पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव, जो कि इस पर्टिकुलर कॉलम में बिल्कुल एविडेंट है। जबकि टोटल यूटिलिटी हमेशा से पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल को अच्छे से देख रहे हो तो टोटल यूटिलिटी की जो फिगर्स हैं वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। कहाँ से? फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो स्लाइस से लेकर के फोर्थ यूनिट ऑफ मैंगो स्लाइस तक टोटल यूटिलिटी जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और हमारा जो कर्व है वो इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग दिखता है। ठीक, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी जो है कॉन्स्टेंट हो गया है, 50 पर ही रह गया है। तो ये जो कर्व है टोटल यूटिलिटी का जो कि मोर और लेस हॉरिजॉन्टल दिखता है या पैरेलल दिखता है एक्स एक्सिस से, जैसे ही कंज्यूमर सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम कर रहा है टोटल यूटिलिटी 48 हो गई है और वो
न्यूमेरिकली दिख रहा है कि भाई टोटल यूटिलिटी कम हुई है, डायग्रामेटिकली भी वो दिखाई दे रहा है क्योंकि टोटल यूटिलिटी कर्व अब ड्रॉप हो रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व कैसा रहेगा? इनिशियली वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में इंक्रीज हो रहा है, फिर वो इस तरह से कांस्टेंट दिखेगा क्योंकि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, और फिर टोटल यूटिलिटी कर्व जो है ड्रॉप डाउन करेगा, गिर जाएगा, डिमिनिश होगा क्योंकि टोटल यूटिलिटी वाकई में कम हुआ है। अब टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो इस तरह का बिहेवियर क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम चेक करें तो स्टार्टिंग से ही रिड्यूस होना शुरू हो गई है, ठीक है, बट 20 से लेकर के ज़ीरो तक, 20 से लेकर के ज़ीरो तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव फिगर्स में है ना? तो वो जो सेगमेंट है वो इस तरह से यहाँ पे इस डायग्राम में दिखेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर तो रहा है, नेगेटिव कर्व तो दिख रहा है, बट वो अब भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव फिगर्स एज्यूम कर रहा है। फिफ्थ यूनिट पे जा कर के मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे एविडेंट होता है जब ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या कट करके नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक, नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि सिक्स्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है -2 है, -2 नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, और ये रहा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एट -2। ठीक, अब इसका रिलेशनशिप जो है वो हम कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज कब तक? अनटिल द फोर्थ यूनिट। और क्यों इंक्रीज हो रही है ये फोर्थ यूनिट तक? बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इस फेज में इसको मान लो हम बोल दें फेज़ 1। ठीक है, सो इस फेज में टी यू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट क्यों है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ कम हो रही है। एज मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया। क्या था फर्स्ट सेगमेंट में? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई। एक बार फिर से देख लें यहाँ पर। तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट से हमें डिराइव हो रहा है, बट टोटल यूटिलिटी का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कैसा है? डिमिनिशिंग है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड पे कम हो रही है, पहले के कंपेरिशन में कम हो रही है। पहले हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी, फिर घटकर 16 हुई, फिर 10 हुई, फिर 4 हुई। ठीक, तो हर एक एडिशनल मैंगो स्लाइस जो ये कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसको उससे सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है, पर उतनी नहीं मिल रही जितनी पहले वाले यूनिट से मिल रही थी। ठीक है, और जब इसको हम एडिशन में डालते हैं, ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो हमें हमारी टोटल यूटिलिटी की कैलकुलेशंस मिल जाती हैं, टोटल यूटिलिटी की फिगर्स मिल जाती हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टोटल यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी की एडिशन से मिलती है ना? और क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी भी डिमिनिशिंग ट्रेंड में दिख रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट डिमिनिशिंग ट्रेंड में इंक्रीज हो रही है, उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, है ना? अगर हम बोल रहे हैं कि सेम स्पीड में इंक्रीज हो रही है जितनी स्पीड में कंजम्पशन हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट पर, क्योंकि ये पूरा एक एडिशन है, पूरा 100% का एडिशन है यहाँ पर, है ना, आधा नहीं खाया है, पूरा एक स्लाइस खाया है मैंगो का, तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 36 के बजाय 40 होनी चाहिए थी। उतना ही सेटिस्फैक्शन सेकेंड यूनिट से भी मिलना चाहिए था, पर रैशनली हमें कभी भी एडिशनल यूनिट से उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना प्रीवियस यानी कि पहले यूनिट से मिल रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है पर डिमिनिशिंग ट्रेंड में हो रही है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, और वो हमने हाईलाइट कर रखा है विद ग्रीन लाइन, कहाँ पे? डायग्राम में, ठीक है। देख लेते हैं एक बार डायग्राम, ये रहा डायग्राम, है ना। सो ये जो हमारा यूनिट 5 है या फिफ्थ मैंगो स्लाइस है, इसमें टोटल यूटिलिटी मैक्स आउट हो रही है, यानी कि 50 पे कांस्टेंट हो गई है, और मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो फिफ्थ यूनिट पर ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेशियटी, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉइंट ऑफ सेशियटी, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है एकदम अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, ठीक। अब हम तीसरा फेज़ लिखते हैं जो कि लास्ट फेज़ है इस रिलेशनशिप का। सो विद अ फर्दर इंक्रीज इन कंजम्पशन, जैसे ही कंज्यूमर फिफ्थ यूनिट से सिक्स मैंगो स्लाइस कंज्यूम करता है, टोटल यूटिलिटी फॉल्स, यानी कि गिर गई, कम हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। देख लें एक बार डायग्राम में। सो ये रहा टोटल यूटिलिटी, फिफ्थ से सिक्स यूनिट पर टोटल यूटिलिटी जो है गिर गई है, कर्व जो है डाउनवर्ड मुड़ गया है, एंड उसी टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ और सिक्स मैंगो स्लाइस से नेगेटिव आ गई है, यानी कि ये एक्स एक्सिस से क्रॉस कर कर नेगेटिव जोन में एंटर कर गया है, ठीक है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ MCQs आपके लिए हैं। अगर आप इन MCQs को सॉल्व कर पाए तो इनके सही ऑप्शंस या सही आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय नाउ, टेक केयर।